उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव सौंपा गया है। इस पर अंतिम निर्णय बोर्ड की जनवरी में आयोजित होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इस बीच मदरसों में जुमे की छुट्टी को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने अपना सुझाव रखा है। उन्होंने कहा है कि जुमे की छुट्टी रविवार के बजाय शुक्रवार को रखी जाए। हालांकि जुमे की छुट्टी कब होगी इसका फैसला उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को लेना है। मदरसा बोर्ड को लेकर जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें मुझे कुछ एतराजात हैं। एतराजात ये हैं कि जो जिस तरीके से जुमे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए है, मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि जुमे में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अजल से जुमे में मदरसों में छुट्टी हो रही है और इसके अलावा जुमे के कुछ फ़राइज़ हैं, वो सब बच्चे उस फ़राइज़ को अदा करते हैं। लिहाजा अगर से मदरसे की भी छुट्टी इतवार को होने लगी तो मदरसे में और सरकारी स्कूलों में फ़र्क क्या रहे।